छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत केडी में विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। साधना न्यूज की टीम जब ग्राम पंचायत पहुंची तो यहां सरपंच सचिव, रोजगार सहायक और सब इंजीनियर की मिलीभगत देखने को मिली। ग्रामीणों से पीएम आवास योजना के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, वहीं सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही है। साधना न्यूज की टीम ने गाँव में लोगों से बात की और हकीकत जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनूप तिवारी। अब हम पहुंच चुके हैं साधना न्यूज की टीम ग्राम केड़ी में, जो कि जनपद पंचायत छतरपुर के अंतर्गत में आता है। अभी हाल ही में हमने एक गांव किया था, उसके बाद हम केड़ी गांव में आ चुके हैं। इस गांव की भी हम आपको धरातल पे दिखाएंगे कि हकीकत परिस्थिति क्या है इस गाँव की, कि इस गाँव में किन लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, कि क्या उनको प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिली है, शौचालय मिले हैं, क्या उनको जो शासन की जितनी योजनाएं शहर में चल रही हैं वो योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीण उठा पा रहे हैं कि नहीं। हम वो सब आपको हकीकत यहाँ दिखाने के लिए हम अब केड़ी गांव में आ चुके हैं, कि जहाँ पर हमें लगता है कि इस गांव की हकीकत कहाँ है। हमारे साथ में एक बहन जी हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या नाम है उनका और क्या उनको सुविधाएं मिली कि नहीं मिली। बहन जी, क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी, ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री आवास जो शासन दे रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हर गरीब पक्का मकान देंगे, तो क्या पंचायत में आपको सरपंच से बात हुई के लिए उन्होंने दिया कि नहीं लेकर? नहीं दही। कहाँ कहते गई थी क्या सरपंच लोग? गए पैसा ऐसा मांगते? पैसा उन्होंने 1000 रुपया किने मंगाओ तो कहते कि हम 1000 दो तो हम मकान दे भी। और शौचालय जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा शौचालय भी बनाए जा रहे हैं, उनकी भी सुविधा नहीं गई? कुछ नहीं गई, कछु नहीं गई। जी ये देखिए आप, ये हकीकत है, ये इस गाँव की हकीकतें हैं कि अगर हम गाँव में जाएं, धरातल में जाएं और गाँव की हम अगर गाँव को देखें हम, तो हम देखते हैं कि शासन चाहे जितनी योजना निकाले, प्रधानमंत्री चाहे जितनी योजना निकाले, धरातल पे हम अगर हकीकत देखने आते हैं तो हमको धरातल पे हमें जीरो दिखाई देता है। शासन की योजनाओं को पलीता लगाने का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पंचायतों में किया जाता है। बहन जी, कै जन है आपके परिवार में? पांच जने यही घर में रात है ना, तो बच्चा क्या है? बच्चा तीन जन। तीन बच्चा है। जी देखिए, ने बताया कि पांच जन हम यहाँ पर रहते हैं, ये पूरा आवास है, इनको अगर आवास की व्यवस्था मिले तो पर्याप्त इनके पास जगह भी है, न शौचालय है, शासन वही कहता है कि शौच के लिए बाहर नहीं जाना है, हर प्रकार की शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, शासकीय कर्मचारियों की लगती है, लेकिन वो शासन वो गरीब लोग करें क्या, किसान गरीब करें क्या? वहीं पर आप देखते हो कि हर कुछ करने के बाद में भी आदमी मजबूर है। तो ये हकीकत देखते देखते इन गांवों में कई प्रकार की समस्याएं, हम आ चुके हैं जनपद पंचायत छतरपुर के अंदर में, जो कि जनपद पंचायत के जो CEO है मजर अली जी, हम कैमरामैन से कहेंगे उनकी दिखाई जाए और गेट को दिखाए। आइए हम उनसे जानते हैं कि जो पंचायतों के अंदर में जो हम गए हैं, हमने देखा धरातल पे क्या अनियमितताएं पाई गई हैं, किस तरह की कुटीर संबंधी व्यवस्थाएं हैं, कई जनहित की ऐसी समस्याएं हैं जिनको ना कि राशन कार्ड भी है, ना गल्ला है, ना इस प्रकार की कई समस्याएं ऐसी सामने आ रही हैं। अब हमारे साथ में हम चलते हैं अंदर गेट के अंदर की पूछते हैं मजर अली जी से कि इस तरह की कई समस्या हमें सामने देखने में पंचायतों में आई है, आप क्या कहेंगे और किस तरह की इस तरह की समस्याओं में हमने क्या निदान करेंगे? सर, आज हम गाँव में कई गाँव में ऐसे अवस्थाएं हैं कि जो ना आवास है, ना उनके पास में शौचालय की सुविधाएं हैं और ना कि उनके पास में जो गरीबों को गल्ला मिलता है वो भी नहीं मिले, इस तरह के आरोप कई जगह तो आरोप ऐसे भी पंचायतों में लगे हैं, कहीं सी घटनाओं में पैसे भी दिए आवास के नाम से। नहीं, आप जैसे बता रहे किस गांव की बात है, कैडी में तो मैं गया है, कैडी में मैंने नहीं, आवास के बारे में तो ये है देखिए, आवास हरा हरा किसी को मिलेगा नहीं, जिसका ATC डाटा में 2011 में ATC डाटा बना था, जो सामाजिक जाति आर्थिक गणना हुई थी, उन गणनाओं में जिनको जीरो रूम या वन रूम कच्चा, टू रूम कच्चा जिन लोगों के आए ना, उन लोगों की पात्रता बनती है, उनके पास पक्के मकान ना हो और 13 बिंदुओं की जानकारी में अगर वो है, अगर वो जांच में सही पाए जाते हैं तो उनको दिया जा रहा है।
जी यही थे सीओ जनपद मजर अली जी का स्पष्ट कहना है कि 2011 की गणना में जिनके नाम होंगे उनको आवास भी दिए जाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी लक्ष्य बाकी है और जो होगा हम आगे भी देखेंगे, लेकिन कई बिंदुओं पर भी उन्होंने कहा है कि जो शिकायत होगी मैं खुद जाके जांच करूंगा और उसके बाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए साधना न्यूज, नमस्कार।